अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 2 किनेमैटिक्स एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स 2.1 टू 2.5। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स एग्जाम में आए तो आपने इन्हें कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 4 हेडिंग्स होती हैं, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड रिजल्ट। गिवन डेटा में हम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वो पैरामीटर्स लिखते हैं जो गिवन है। रिक्वायर्ड में हम वो पैरामीटर लिखते हैं जो हमने फाइंड करना है। इसके अलावा जो भी कैलकुलेशंस होती हैं या जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे लिखते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग में, और एट द एंड हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम रिजल्ट की हेडिंग में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब 2.1 डिस्कस कर लेते हैं। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ट्रेन मूव करी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से और टाइम है 10 सेकेंड्स का, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है यानी जो पैरामीटर्स गिवन है वो क्या है, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम 10 सेकेंड्स। टाइम ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट में है, वेलोसिटी को स्टैंडर्ड यूनिट में करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे डिस्टेंस। सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम स्पीड में पढ़ चुके हैं, s इज इक्वल टू vt, सिंपली v और t की वैल्यूज पुट करेंगे, 10 इनटू 10 100 मीटर। रिजल्ट में आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 100 मीटर। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.2। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे रेस्ट से क्या आइडिया हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, इसे स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे 1000 मीटर आएगा। टाइम इज गिवन 100 सेकंड। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो स्टेटमेंट में है जो गिवन डेटा में आएंगी। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड्स, यानी हमने फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो उनमें फाइनल स्पीड आती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें उसमें भी एक्सेलरेशन आता है, थर्ड में देखें उसमें भी एक्सेलरेशन आता है, दोनों में फाइनल वेलोसिटी भी आती है एक्सेलरेशन भी आता है। इसका मतलब है अगर हम फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन को यूज करना चाहें तो पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। इसके अलावा अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती। अभी हमारे पास पैरामीटर्स हैं vi, s और t। हमें आइडिया हो रहा है इनसे कि ये पैरामीटर्स अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें तो हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज vi t प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। हम सिंपली यहाँ पे जो पैरामीटर्स गिवन डेटा में हैं वो पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम इवेलुएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन का 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और टाइम है, ये 4 पैरामीटर्स हैं। इन 4 पैरामीटर्स को यूज करते हुए हम फाइनल वेलोसिटी इवेलुएट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vi 0, a 0.2 है, टाइम 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे, vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो रिजल्ट इज स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड्स इज 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.3। अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, हमें ये नहीं कहा गया कि इस टाइम के बाद वेलोसिटी है, यानी ये होगी इनिशियल वेलोसिटी, सो vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज हाफ मिनट, मिनट इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, तो इसे स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे यानी कि 30 सेकेंड आएगा। हाफ मिनट में 30 सेकंड्स होंगे तो यहाँ पे टाइम हो गया 30 सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। हमने कार का ट्रेवल्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है, यानी कि 2 पैरामीटर्स हैं जो इवेलुएट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन से पैरामीटर्स, वी आई ए और टी। अगर हम ये तीनों पैरामीटर्स किसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. पैरामीटर्स की वैल्यूज पुट करेंगे 10 इंटू 30 इंटू 1 ओवर 2 0.2 इंटू 30 स्क्वायर. ये आएगा 300 प्लस 90, 390 मीटर डिस्टेंस आ गया. अब हम इवेलुएट करेंगे फाइनल वेलोसिटी. डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है. ये हमारे पास पैरामीटर्स काफ़ी हैं फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. तो सिंपली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. वी आई की जगह पुट करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ए की जगह 0.2 और टाइम की जगह 30. मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 16 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी. रिजल्ट आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 390 मीटर एंड फाइनल वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 2.4. अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. टेनिस बॉल को हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड. अब हिट किया है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यानी कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड. इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. यानी जब हम उसे 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट करते हैं तो ये ऊपर जाती है और हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 3 सेकेंड का टाइम लेती है. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड. हमने वो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है जो बॉल ने अचीव की है, और इसके अलावा हम वो टाइम भी कैलकुलेट करेंगे जो बॉल को लगा है जाने और फिर वापस आने में. बॉल को हिट किया गया है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद उन्होंने हमें बताया है कि नीचे से ऊपर यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में बॉल को लगे हैं 3 सेकेंड, यानी कि एक साइड की मोशन में इसे 3 सेकेंड्स लगे हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन कौन सी, वर्टिकल है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. दोनों केसेस में हमने डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, ए की जगह जी. जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ हमने माइनस साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है. अपवर्ड मोशन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव लेंगे. इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो वो जीरो है. वो जीरो कैसे है, बॉल को हमने 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट किया है. बॉल वापस क्यों आएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे बॉल की वेलोसिटी हो गई है जीरो. बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो होगी तभी बॉल ग्राउंड पे वापस आएगी. तो हम फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, हमने सिंपली मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है. उसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ए को रिप्लेस किया है जी से और एस को रिप्लेस किया है एट से क्योंकि वर्टिकल मोशन है. वी आई है 30, टाइम है 3 सेकेंड्स का, 1 ओवर 2 इंटू जी की वैल्यू माइनस 10 है और टाइम का स्क्वायर है. मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 45, 45 मीटर हाइट है. यानी बॉल ने मैक्सिमम हाइट 45 मीटर अचीव की है और 45 मीटर पे जाके बॉल की वेलोसिटी 30 से जीरो हो गई है. जीरो हुई है तो बॉल वापस आई है. ये तो हमने कर ली हाइट कैलकुलेट. नेक्स्ट हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि जब हम उसको हिट करेंगे तो हिट करने के कितने टाइम के बाद वापस बॉल ग्राउंड पे आएगी. तो बॉल को नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगे हैं 3 सेकेंड्स और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जीरो होगी तो बॉल वापस आएगी. तो उतना ही टाइम उसे वापस आने में लगेगा, यानी जिस हाइट पे वो गई है उसी हाइट से नीचे वापस आए. तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा. तो इस केस में हम टोटल टाइम लिखेंगे टाइम टेकन अपवर्ड्स प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड्स, यानी कि 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स. सो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द ग्राउंड इज 6 सेकेंड्स. रिजल्ट लिखेंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज 45 मीटर एंड द टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द ग्राउंड इज 6 सेकेंड्स. टुडेज लास्ट प्रॉब्लम इज 2.5. अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड. इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन. फाइंड द डिसेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार. सो स्टूडेंट्स, कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड के साथ 5 सेकेंड तक, यानी कि 5 सेकेंड का टाइम गुजरा है और 5 सेकेंड में कार की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड. अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये शो कर रही है कि इन 5 सेकेंड्स में बॉडी की या कार की स्पीड कांस्टेंट है जो कि है 40 मीटर पर सेकेंड. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 सेकेंड्स में लाइन स्ट्रेट है जो शो कर रही है कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड है. इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकेंड्स के बाद फर्दर 10 सेकेंड और गुजरते हैं और उन 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी हो जाती है 40 से 0.
यानी कि 5 के बाद फर्दर जो 10 सेकंड्स गुजरेंगे टोटल क्या हो जाएगा 15 सेकंड्स का. तो यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं 5 के बाद जो फर्दर 10 सेकंड्स गुजर रहे हैं उनमें वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो हो गई है. हमने कैलकुलेट क्या करना है, डिसेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार. ये है स्पीड टाइम ग्राफ. अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है. अगर हम इस ग्राफ के अंदर एरिया कैलकुलेट करें तो इसका मतलब होगा कि हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कैलकुलेट किया है. तो ये दोनों काम करेंगे. सबसे पहले ग्राफ की स्लोप फाइंड करते हैं. स्लोप के लिए हम पॉइंट्स लेंगे बी एंड सी. अब ग्राफ में पहले पॉइंट आ रहा है बी और बाद में आ रहा है पॉइंट सी. तो हम क्या करते हैं, ग्राफ में जो पॉइंट बाद में आता है उसकी वैल्यूज पहले लेते हैं और फिर उसमें से माइनस करते हैं पहले आने वाले पॉइंट की वैल्यूज को. यानी कि हम स्पीड एक्सिस की वैल्यूज को माइनस करेंगे और टाइम एक्सिस की वैल्यूज को माइनस करेंगे. तो पहले कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, उस पॉइंट की वैल्यूज जो ग्राफ में बाद में आ रहा है. तो मोशन इस तरह आ रही है और आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है, सी, यानी बाद वाला पॉइंट है सी. इसकी स्पीड वैल्यू लिखते हैं पहले. पहले स्पीड वैल्यू देखते हैं सी की, क्या है, जीरो. तो यहाँ हम लिखेंगे जीरो माइनस. अब बी की स्पीड वैल्यू क्या है, 40. यहाँ लिखेंगे 40, जीरो माइनस 40. अब टाइम देखते हैं, सी का टाइम क्या है 15 और बी का टाइम क्या है 5. तो 15 माइनस 5 क्या आएगा, 10. डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन आया है माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस साइन से आइडिया हो गया है कि ये डिसेलरेशन है, यानी कि रिटार्डेशन है. वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार. अब डिस्टेंस के लिए हम सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे. अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम शेप बनती है. ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ए बी और ओ सी, और ये है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ ए. अगर हम ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला देखें तो वो है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए बी ओ सी. तो लिखेंगे 1/2 ए बी प्लस ओ सी इंटू ओ ए. ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी ये है और ए बी की वैल्यू क्या है 5. यहाँ पुट करेंगे 5. नेक्स्ट है हमारे पास ओ सी. ओ सी की वैल्यू क्या है 15. यहाँ पुट करेंगे 15. नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है 40. यहाँ पुट करेंगे 40. ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 400 मीटर. रिजल्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इज 400 मीटर एंड डीसेलरेशन ऑफ द कार इज -0.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आपने इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है. इसके अलावा आपने फिजिक्स की नोटबुक्स पे इन प्रॉब्लम्स को नोट भी करना है. गुड लक, अल्लाह हाफिज़.